अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ज़ाहिद मैथ ट्यूटोरियल। चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हम यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट इसका क्या हमें गिवन कर रहा है, 2 - x² = 7x। अब ये हमने उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन की है, अब इसको हम लोगों ने बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + √b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, पीछे हम लोगों ने इसको ड्राइव किया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उन वैल्यू को इस फार्मूले में प्लेस करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखिए, उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन किया है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, एक साइड हमारी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। 7x पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या स्क्वायर बाय टर्म के साथ आप लोगों ने पॉजिटिव साइन लेकर हम इसको राइट साइड पे ट्रांसफर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर नेगेटिव राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव राइट साइड पे जाके नेगेटिव। 0 = x² + 7x - 2। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम लोगों ने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्क्वायर बाय टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, a की। एक्स बाय टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना होगा वो किसकी वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे स्क्वायर बाय टर्म का कोफिशिएंट क्या है, कोई नहीं, मतलब 1 है। a = क्या आ जाएगा, 1। एक्स वाई टर्म का कोफिशियंट क्या आएगा, 7। और कांस्टेंट c हमारे पास क्या है, -2। a b और c की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इन वैल्यू को क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लेस कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x = -b + √b² - 4ac/2a। x = -b की वैल्यू 7 + √(b) है। b की वैल्यू का स्केयर, स्केयर ऑफ 7 - 4 फार्मूले का, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -2/2। a की वैल्यू क्या है, 1। x = -7 + √(7) का स्केयर 49 + √(8)/2, 1/2। 49 में 8 ऐड करें क्या आएगा हमारे पास, -7 + √(57)/2 हो गया। अब 57 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमारा सॉल्यूशन सेट यही होगा। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, -7 + √(57)/2। सेकंड पार्ट है इसका, (5x² + 8x + 1) = 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। इसके लिए पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्क्वायर वाई टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारी ए की वैल्यू, एक्स वाई टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो बी की वैल्यू, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना होगा वो क्या होगा, सी की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 5, a = 5, बी की वैल्यू 8 एंड सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x = -b + √(b² - 4ac/2a।
एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ बी है, बी की वैल्यू का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर ऑफ 8 -4 फॉर्मूले का, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 1 बाय 2, ए की वैल्यू क्या आ गई 5, एक्स इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 की वैल्यू का स्क्वायर क्या, 8 का स्क्वायर 64 -5, 4 ऑफ 20 बाय 5, 2 ऑफ 10, 64 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, एक्स इक्वल टू -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44 बाय 10, 44 का स्क्वायर रूट होता है नहीं होता। अब हम लोगों ने इसको ब्रेक करके राइट करना है इस तरीके से, टू डिजिट राइट करके एक का स्क्वायर रूट और दूसरे का स्क्वायर रूट ना हो, -8 प्लस माइनस 44 को राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 10, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, एक्स इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय 10। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 2 कॉमन ब्रैकेट में अमाउंट -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय 10, टू 1 ऑफ 2 टू 5 ऑफ 10, एक्स इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय 5। सॉल्यूशन साइड यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय 5। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।